नमस्कार, हम हैदराबाद तेलंगाना से है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9010548894। आप हमारा एशियन डिटेक्टर यूट्यूब चैनल पे नए नए आए सो है तो हमको सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल का सिंबल भी रहता है, उसको भी दबा दीजिए, वो प्रेस करके ऑन करिए। 2 सेकंड पकड़ लिया तो मशीन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में आप क्या करना है, मोड को सेलेक्ट करना है। मोड को सेलेक्ट करने के लिए क्या आप करना पड़ेगा, माइनस प्रेस के सहारा। अगर प्रेस करा तो उधर आ जाएगा माइनस, आपको दिख रहा है ना, माइनस। कभी भी जनरल मोड पे लगा लीजिए आप वो या ये जनरल मोड है, ठीक है। जनरल मोड पे लगा के आप यूज़ कर लीजिए। और ये दोनों बटन है, डेप्थ को ज़्यादा करना या कम करना है। अगर कम कर रहे हैं तो कम हो जाता है, अगर ऊपर का प्रेस करा तो डेप्थ ज़्यादा भी हो जाएगा। ओके सर, हाँ। और क्या करना पड़ेगा आपको, ये सेटिंग्स को दो बार प्रेस करिए। सेटिंग अभी ये 90 नंबर आ जाता है, तब ग्राउंड बैलेंसिंग करना है। ये जो बटन को पकड़ के पंपिंग करना है ऊपर नीचे, नंबर चेंज हो गया छोड़ दीजिए। मशीन तो अपन सेट कर दिए है, यानी ग्राउंड बैलेंस अपन सेट कर दिए। ये नंबर जाने तक आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, अभी लेफ्ट राइट घुमाते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ एक आयरन से भरा हुआ मेटल है, या आयरन के ऊपर घुमाइए। अभी आवाज़ नहीं आ रहा है, कारण वो आयरन अपन ऑन कर ऑफ करके है ना। आयरन को ऑन करिए, सेटिंग्स को 3 बार दबा दीजिए। हाँ, अभी वो माइन प्लस को दबा दीजिए, पूरा ब्लैक है रहा तो आयरन को पकड़ता है। अभी उसके ऊपर घुमाइए, आयरन तो बिल्कुल पकड़ रहा है। अगर उसको माइनस कर दीजिए पूरा वाइट तो आयरन तो ऑफ हो गया है। यानी अगर वो प्योर आयरन है तो मशीन तो उसको अवॉइड कर देगा, खाली आपको मेटल के ऊपर ही आवाज आएगा। अभी इसके ऊपर घुमाइए, कभी भी ये हाइट पे रहना है, उसके ऊपर घुमाइए। आपको नंबर कौन सा आ रहा है, 91। हाँ, यानी वो प्योरिटी के हिसाब से कौन सा मेटल है वो भी आपको बता देगा। और आपको क्या करना है, साइज के हिसाब से डेप्थ आ जाएगा, आपको बताया था। एक बार दे दीजिए, मैं आपको पूरा सेटिंग्स और एक बार बता दूंगा। ये जो बटन है ऑन ऑफ का है, ये 2 सेकंड पकड़ के रुकिए, मशीन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में आपको मोड को सेलेक्ट करना है। अगर आपको झाड़ के ऊपर गया है, झाड़ ज्यादा है या पेड़ पौधे, तो प्लस को दबा दीजिए, आगे आ जाता है, 1 बोल के आता है। अगर ये भी ज्यादा झाड़ है तो इस पे जाइए, बहुत पूरा झाड़ से भरा हुआ है। ये समुद्र कने ऑपरेट कर सकते हैं। प्लेस को और एक बार प्रेस करिए, ऑल मेटल मोड पे आ जाता है। ये प्लेस को दबा दीजिए, जनरल मोड पे आ जाता है। कभी भी जनरल मोड आप यूज़ करिए। और क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को, ये दोनों बटन के सहारा, ये डेप्थ को पावर ऑन बटन को कम कर दिया, कम हो जाता है। ऊपर का बटन को दबा दिया तो डेप्थ को भी बढ़ेगा। और क्या करना है, मशीन ऑन करने के बाद में ये जो सेटिंग्स को 2 बार दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद में पंपिंग करना है, ये बटन को दबा के, या नोच ऑप्शन है ना, ये इनटू मार्क, इसको पकड़ के पंप करिए। नंबर चेंज हो जाता है तो इसका कारण वो मशीन सेट हो गया है, ग्राउंड बैलेंस बराबर अपन कर दिए। ये नंबर जाने तक रुकना है, फिर लेफ्ट राइट घुमाते हुए चले जाना है। जिधर भी मेटल है आपको आवाज़ आएगा, बता देगा कौन सा मेटल है। ये बटन और एक बार प्रेस कर रहा हूँ, ये वैल्यूम का है। अगर वैल्यूम को ज़्यादा करना या कम करना, माइनस प्लस के सहारा सेटिंग्स को दबा दिया तो यहाँ पर काला मार्क आ जाता है, तब इसको आप माइनस करा तो कम हो जाएगा वैल्यूम, ज़्यादा करा तो ज़्यादा भी हो सकता है। और एक बार सेटिंग को दबा दीजिए, ये हो गया आपको ग्राउंड बैलेंस ऑलरेडी कर दिए। ये आयरन ऑफ के लिए है। अगर इसमें पूरा 3 डब्बे ब्लैक से भरा हुआ है तो आयरन तो ऑन होता है, अगर उसको पूरा वाइट कर दिया आयरन ऑफ हो जाएगा। अब ये देखिए नोच ऑप्शन है, आयरन अगर कोई मेटल जरूरत नहीं ऑफ कर सकते हैं। ये जो है फ्रीक्वेंसी है, F2 पे लगा लीजिए कभी भी। ये वायरलेस हेडफोन्स है, ये वाइब्रेट मोड है। अगर इसको प्लस को दबा दिया वाइब्रेट होता है कोई मेटल के ऊपर गया तो। ये बटन है आपको स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, यानी आपको लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और नीचे का लास्ट वन गए सो है, अगर प्रेस को दबा दिया नीचे लाइट आ जाता है। नीचे तो लाइट आ गया ना सर आपको, नीचे तो लाइट आ गया। अगर इसको फिर माइनस कर दीजिए लाइट बंद हो गया है, यानी साइज के हिसाब से आपको मेटल भी पता चलेगा। अभी ये तो बंद हो चुका है। अपन अभी तक आपको बताया था, एक सेटिंग बताया था कौन सा मेटल को कितने फीट तक वो पकड़ेगा। अभी देखिए ये बटन ये ले लीजिए सर, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका अंगूठा रहा तो भी लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा मेटल। ऐसा घुमाइए इसको, ऐसा घुमाना पड़ेगा आपको। हाँ, कौन सा मेटल कितने फीट तक आ रहा है, घुमाइए।
उसका सीधा घुमाना पड़ेगा, उसका उसका सीधा नहीं, ऐसा ऐसा हाँ ऐसा हाँ, वो आपको 3.5 फुट तक पकड़ रहा है। हाँ वो छोटा मेटल है ना, थोड़ा नज़दीक लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा नज़दीक 2 फुट तक ही आता है वो साइज, वो वाला 3 फुट आएगा। आपका मोबाइल फ़ोन है ना, वो 2 फुट तक आता है, नज़दीक लगा के देखना। हाँ ऐसा हाँ, घुमाने का स्पीड भी सही रहना है, आपको बता दिया था। वो छोटा मेटल है ना, वो 2 फुट तक आ रहा है, वो बड़ा मेटल है इसीलिए वो 3 फुट तक आ रहा है। ऐसा घुमाए सर, अब किधर घुमा रहे, उसका सीधा जाना चाहिए। हाँ ठीक है।